अनुष्का शर्मा संग ब्रेकअप पर जब रणवीर सिंह ने तोड़ी थी चुप्पी। बॉलीवुड में कई लव स्टोरीज अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इनके तक किससे काफी मशहूर हुए एक ऐसी ही जोड़ी अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की है। दोनों ने सबसे पहले बैंड बाजा बारात में साथ काम किया था। यह रणवीर की पहली फिल्म थी जबकि अनुष्का की यह दूसरी फिल्म थी। फिल्मों में दोनों के काम की काफी तारीफ हुई थी और साथ ही फिल्म भी हिट हुई थी। साथ काम करते हुए इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत बेहतरीन हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री फिल्म लेडीज वर्सेस विक्की बहल में भी देखने को मिली। कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर 2011 में हुए कवर फंक्शन के दौरान दोनों के बीच बात बिगड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ एक एक्ट परफॉर्म किया, जिससे अनुष्का उनसे नाराज हो गई। दोनों सबके सामने ही झगड़ पड़े और पूरे फंक्शन में एक दूसरे से बात नहीं की। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का रिश्ता जलन के चलते भी बर्बाद हुआ। एक तरफ अनुष्का जहां उस समय बिग बैनर की फिल्में पा रही थी, जबकि रणवीर इंडस्ट्री में जगह ही नहीं बना पा रहे थे। इन्हीं सब बातों के चलते दोनों का रिश्ता आखिरकार टूट गए। एक इंटरव्यू में अनुष्का से ब्रेकअप पर रणवीर ने कहा था, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, वे प्यार से सराबोर है और लोग उन्हें गलत समझते हैं। वह बहुत ही प्यारी और ईमानदार इंसान है जिससे मैं मिला हूँ। मैं जब भी उनके खिलाफ कोई नेगेटिव आर्टिकल पढ़ता हूँ तो आग बबूला हो जाता हूँ, जबकि अपने ऊपर लिखे नेगेटिव आर्टिकल्स पर मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। आपको बता दें कि रणवीर से ब्रेकअप के बाद अनुष्का की शादी विराट कोहली से हुई, जबकि रणवीर ने दीपिका पादुकोण से शादी की।